हे वेलकम गाइस, आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्वागत है टेक्नोजॉलॉजी की और एक मज़ेदार अनबॉक्सिंग वाली वीडियो में। आज हमारे पास है दोस्तों रियलमी 7 का रिटेल बॉक्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, और आज हम इसका अनबॉक्सिंग करने वाले हैं दोस्तों। और यहाँ पे क्या क्या फीचर इसमें देखने के लिए मिल रहा है, कैसे कैसे प्राइस रेंज में आप लोगों को ये मॉडल मिलेगा, और क्या क्या इसमें रियलमी ने खास डाला है दोस्तों, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और उससे पहले दोस्तों, वीडियो शुरुआत करने से पहले, चैनल में पहली बार आए हो आप लोग, क्या पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन में ऑप्शन को जरूर दबा के रखना, ताकि जब भी हम ऐसे लेटेस्ट अनबॉक्सिंग वीडियोस डालें आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरुआत करते हैं। यहाँ पे गाइस, बॉक्स के ओवरव्यू के बारे में पहले बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जो बॉक्स है दोस्तों, मेरे पास रियलमी 6 का भी बॉक्स अवेलेबल है, वहाँ पे कॉर्नर पे है, आप लोग देख सकते हो गौर से। तो रियलमी 6 का बॉक्स पूरा पीला कलर का था दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों को रियलमी 7 का बॉक्स में थोड़ा अलग सा पैटर्न देखने के लिए मिलता है। ये जो बॉक्स है दोस्तों, रियलमी 7 यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे आप लोग 7 टाइप का यहाँ पे पैटर्न वगैरह देख सकते हो। इसी के साथ साथ यहाँ पे सलमान भाईजान का एक फोटो भी दिया गया है दोस्तों, और इनके हाथ में ये मोबाइल दिया गया है। तो ऐसा कुछ डिजाइनिंग किया गया है बॉक्स के अंदर। बॉक्स के साइड में यहाँ पे आप लोगों को रियलमी 7 लिखा मिलता है दोस्तों। इस साइड में भी सेम रियलमी 7 आप लोगों को मिल जाता है। इस साइड में आप लोगों को रियलमी का एक आर्च पैटर्न होता है देखने के लिए मिल जाएगा। इस साइड में दोस्तों आप लोगों को कुछ कंपनी का डिजाइनिंग वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात की जाए इसके फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पे कुछ हाइलाइटिंग फीचर्स दोस्तों फोन का यहाँ पे शो किया गया है। आप लोग अगर जूम करके देखो तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों, सोनी का 64 मेगापिक्सल वाला क्वाड कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलता है, जो कि रियलमी 6 में हमें देखने के लिए नहीं मिला था। सैमसंग का सेंसर था, सैमसंग का GM1 वाला सेंसर रियलमी 6 में दिया गया था, जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ दोस्तों। और ये वीडियो जो शूट हो रहा है सैमसंग का GM1 सेंसर, रियलमी 6 से ही ये वीडियो शूट हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे सोनी का सेंसर मिलता है। प्रोसेसर यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही अच्छा दमदार पावरफुल प्रोसेसर मिलता है, हीलियो G95 वाला गेमिंग प्रोसेसर मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा है इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। इसी के साथ साथ दोस्तों, जो रियलमी 6 में हमें मिलता था 30 वाट का डार्ट चार्जर मिलता है, 5000 mAh का बैटरी है दोस्तों। रियलमी 6 में 4300 mAh का था, रियलमी 7 में 5000 mAh, मतलब कि 700 mAh का यहाँ पे आप लोगों को बढ़ोतरी देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा लगा है मुझे। 5000 का बैटरी यार सफिशियंट है, सभी मोबाइल में इम्पॉर्टेंट होता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे सेम 90Hz का अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले पंच होल वाला देखने के लिए मिल जाएगा। और भी कुछ फीचर्स के साथ ये मोबाइल आता है दोस्तों, सब कुछ बताऊंगा। और ये जो वेरियंट है दोस्तों, यहाँ पे मुझे 64 GB वाला वेरिएंट यहाँ पे परचेस किया है मैंने, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा है। मैं बहुत ही एक्साइटेड था इस डिवाइस को लेके कि कब आएगा, मुझ तक कब आएगा, तो मैंने फाइनली इसको परचेस कर ही लिया। और यहाँ पे गाइस, इसका जो बॉक्स है पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। तो चलिए दोस्तों, अभी इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, बॉक्स ओपनिंग के बाद जैसे कि रियलमी के डिवाइसेस में हमें मिलते हैं, एक यहाँ पे डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह आप लोगों को इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। इसको नीचे रखते हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हे वेलकम टू रियलमी फैमिली, यहाँ पे जो वर्ड्स होता है रियलमी का लिखा गया है। और इसके अंदर क्या क्या मिलता है थोड़ा चेक कर लेते हैं। इसके अंदर आप लोगों को एक यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल देखने के लिए मिलता है, जैसे कि सभी फोन्स में हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को और भी कुछ डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह और एक TPU केस देखने के लिए मिलता है, तो इसको हम साइड में रख देते हैं। एक चीज दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को TUV रियलाइज स्मार्टफोन सर्टिफिकेशन का यहाँ पे एक कार्ड भी मिलता है। तो आप लोग अगर बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो, आपके आंखों को भी यहाँ पे सेफ रखना चाहते हो, तो ये जो सर्टिफिकेशन वाला कार्ड है, आप लोग गौर से अगर देखो तो यहाँ पे लो ब्लू लाइट फिल्टर आप लोगों को प्रोवाइड करेगा इसका डिस्प्ले, आपके आंख बहुत ही सेफ रहेगा। तो आप लोग आंखों के ऊपर अगर कोई स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो, आपके आंख को सेफ रखना चाहते हो, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें TUV रियलाइज का सपोर्ट सर्टिफिकेशन है। अदरवाइज दोस्तों, ये जो TPU केस हमें मिलता है थोड़ा ब्लैकिश टाइप का आता है दोस्तों, और ये थोड़ा थिक है, थिन नहीं बताऊंगा, थोड़ा थिक क्वालिटी का है। इसका क्वालिटी कैसा है आप लोग गौर से देख सकते हो, थोड़ा थिक क्वालिटी का यहाँ पे आप लोगों को TPU केस मिलता है। वैसे कटिंग वगैरह बहुत ही अच्छी तरीके से इसका किया गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों इसको पहनाने के बाद। अभी बॉक्स के अंदर हमारा मेन कॉन्टेंट मिलता है, जो कि हमारा यहाँ पे बेस है दोस्तों मॉडल जो फ़ोन का, इसको हम साइड में रखते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर हमें और क्या क्या देखने के लिए मिलता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, रियलमी 6 में भी हमें देखने के लिए मिला था एक 30W का डैश चार्जर। दोस्तों ये जो चार्जर है, ये बहुत ही अच्छा चार्जर है, मैं खुद पर्सनली इसको यूज़ करता हूँ। अगर आप लोग गौर से देखो, इसका रेटिंग मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग अगर गौर से देखो तो यहाँ पे 5V
6 एम्पायर का एक चार्जर देखने के लिए मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा चार्जर है। 30 वाट का यहाँ पे आउटपुट आप लोगों को देगा, जो कि एक घंटे में आपका मोबाइल फुल चार्ज हो जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों एक यूएसबी टाइप सी केबल आप लोगों को मिलता है इस डिवाइस के अंदर, तो ये भी बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों को एक यूएसबी टाइप सी केबल देखने के लिए मिल जाता है। इन सारे चीज़ों को अभी साइड में रखते हैं और हमारे जो मेन हैंडसेट है उसके ऊपर आते हैं। दोस्तों मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इसके लिए, इसके फर्स्ट लुक और डिजाइनिंग के बारे में मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। तो चलिए दोस्तों अभी इसको ओपन करते हैं। और गाइस जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को जो डिज़ाइन देखने के लिए मिलता है रियलमी का पर्सनल ये डिज़ाइन है, जो बहुत ही अच्छा फीलिंग दे रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैट डिज़ाइन है दोस्तों पीछे के साइड में। अगर मैं यहाँ पे रबिंग करता हूँ ये प्लास्टिक बैग ही आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, लेकिन दोस्तों ये जो डिज़ाइन है पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। हैंड में होल्ड करते हुए थोड़ा प्रीमियम फील होता है दोस्तों। रियलमी 6 सीरीज में भी आप लोगों को डिज़ाइनिंग मिलता था लेकिन वो ग्लॉसी था, ये आप लोगों को इस बार मैटी फिनिशिंग के साथ देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे एक स्ट्राइप भी दिया गया है दोस्तों, इस साइड में आप लोगों को स्टार टाइप का देखने के लिए मिल रहा है, जो यहाँ से एक बहुत ही अच्छा लाइट निकल रहा है। पर्सनली मुझे ये जो डिज़ाइन है बहुत ही अच्छा लगा। इसी के साथ साथ दोस्तों फिजिकल ओवरव्यूज के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे आप लोगों को 3.5 mm ऑडियो जैक देखने के लिए मिल जाता है नीचे के साइड में, साथ ही साथ यहाँ पे एक मोनोस्क्रोम स्पीकर मिलता है। यूएसबी टाइप सी का सपोर्ट भी आप लोगों को मिल जाता है। यहाँ पे एक स्पीकर ग्रिल भी, सिंगल स्पीकर ग्रिल आप लोगों को देखने के लिए मिल जाते हैं। साइड में अगर आप लोग गौर से देखो तो यहाँ पे आप लोगों को वॉल्यूम रॉकर्स देखने के लिए मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों को सिम कार्ड ट्रे भी देखने के लिए मिलता है, इसको हम ओपन करके दिखाने वाले हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप लोग ऊपर की तरफ देखो तो ऊपर की तरफ पूरा खाली मिलता है, कुछ भी पे देखने के लिए नहीं मिलता। साथ ही साथ यहाँ पे अगर इस साइड में आप लोग देखो तो इस साइड में भी खाली मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एक पावर ऑन ऑफ बटन एंड एक फिंगरप्रिंट स्कैनर एक ही साथ दिया गया है। मतलब कि ये जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है इसको आप लोग स्कैन भी करके ओपन कर सकते हो और एक ये पावर ऑन ऑफ बटन के थ्रू भी काम करेगा, जो कि एक ही चीज आप लोगों को मिलता है जैसे रियलमी 6 में हमें देखने के लिए मिलता था। पीछे के कैमरा बम के बारे में बात करें तो यहाँ पे कैमरा जो बम्प है दोस्तों थोड़ा उठा हुआ है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा दोस्तों टीपीयू केस को पहनाने के बाद ही आप लोग मोबाइल यूज करना, अदरवाइज टीपीयू केस के बिना यूज नहीं करना, बहुत ही सही रहेगा आपके लिए। तो चलिए दोस्तों फटाफट से फ़ोन को बूट करते हैं और यहाँ पे आप लोगों को फ़ोन का जो अंदर वाला इंटरफेस है अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, आप लोग थोड़ा टाइम वेट कीजिए। और गाइस फाइनली मैंने इसको बूट कर दिया और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रियलमी UI जो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को कुछ यहाँ पे रियलमी का ऐप्स देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि आप लोगों को मिलता है। और रियलमी UI में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ क्लोजली स्टॉक एंड्रॉयड की तरह ही है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ब्लोटर्स वगैरह आप लोगों को कम देखने के लिए मिल जाते हैं और ये स्मूथ अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले है दोस्तों, 90 Hz वाला बहुत ही स्मूथ डिस्प्ले है। मैं खुद यूज़ करता हूँ Realme 6 और Realme 7 है, तो यहाँ पे आप लोगों को यूजर एक्सपीरियंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, तो एक 90 Hz वाला डिस्प्ले यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को एक 6.5 इंच का डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है, जो कि IPS LCD डिस्प्ले है। लेकिन आप लोग अगर गौर से देखो तो ये जो डिस्प्ले है दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही सारा अच्छा यहाँ पे फीचर्स के साथ देखने के लिए मिल जाता है। गौर से अगर आप लोग देखो तो ये जो डिस्प्ले है 90 Hz और 60 Hz का जो रिफ्रेश रेट है उसको सपोर्ट करता है। हालाँकि यहाँ पर हम लोग जो भी स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं, रियलमी के बहुत ही सारे स्मार्टफोन्स ऐसे हैं जो 60 Hz के साथ आता है, लेकिन Realme 6 सीरीज के बाद से दोस्तों Realme ने यहां पे 90 Hz का डिस्प्ले डालना स्टार्ट कर दिया। पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, 90 Hz का स्मूथ एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। तो आप लोग अगर चाहो तो इसको 90 Hz में, या आप लोग चाहो तो इसको ऑटो सिलेक्ट करके भी रख सकते हो। तो यहां पे 90 Hz 60 Hz दोनों ही ऑप्शन आप लोगों को मिल जाता है, तो डिस्प्ले वाइज बहुत ही अच्छा लगा है डिस्प्ले मुझे, स्मूथ यहां पे एक्सपीरियंस आप लोगों को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ गाइज ये जो पंचोल कैमरा आप लोगों को साइड में मिलता है, गौर से अगर आप लोग देखो तो छोटा सा यहाँ पे आप लोगों को बिंदी वाला कैमरा देखने के लिए मिलता है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा सा कैमरा मिलता है। और ये जो बेजिल्स है दोस्तों बहुत ही कम मिल जाते हैं आप लोगों को इस फोन के अंदर, और ये जो बेजिल्स है दोस्तों बहुत ही कम है, चिन बहुत ही छोटा है, आप लोग गौर से देख सकते हो चिन यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही छोटा देखने के लिए मिलता है। तो फुल व्यू यहाँ पे एक्सपीरियंस आप लोगों को इस डिवाइस में मिल जाएंगे।
अदरवाइज दोस्तों यहाँ पे आप लोग नोटिफिकेशन बार में अगर देखो तो यहाँ पे बहुत ही सारे कस्टमाइजेशंस वगैरह आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे Realme UI के अंदर। आप लोग इसको पर्सनली बहुत ही अच्छी तरीके से सेव वगैरह कर सकते हो, सारे चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है दोस्तों। तो अगर आप लोग गौर से देखो तो यहाँ पे इसका जो UI वर्जन है Realme का, ये वर्जन 1.0 है। बहुत ही जल्दी दोस्तों Realme 7 सीरीज के अंदर आप लोगों को Realme UI 2.0 का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा और इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 10 जो एंड्रॉयड वर्जन है वो हमें देखने के लिए मिलता है। तो एंड्रॉयड 10 के साथ ही आता है आउट ऑफ द बॉक्स, और बहुत ही जल्दी Realme UI 2.0 के साथ आप लोगों को यहाँ पे एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। हाँ गाइस, मैं आप लोगों को और एक चीज बताना चाहता हूं, ये जो फोन है दोस्तों आप लोगों को मीडियाटेक के प्रोसेसर के साथ देखने के लिए मिल जाता है। इसका जो एक्सपीरियंस है मीडियाटेक हीलियो G95 जो एक्सपीरियंस आप लोगों को देता है बहुत ही अच्छा। यहां पे आप लोगों को ऐप ओपनिंग क्लोजिंग जो यहां पे एनिमेशंस है बहुत ही अच्छे देखने के लिए मिल जाते हैं। इसका जो रैम मैनेजमेंट है बहुत ही अच्छा है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो। तो यहां पे ऐप ओपनिंग क्लोजिंग में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, बहुत ही अच्छी तरीके से ये जो परफॉर्म करता है ये फोन आप लोग गौर से देख सकते हो। के कैमरास के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को सोनी का कैमरा देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों। 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आता है। आप लोग देख सकते हो दोस्तों कितना इंटरेस्टिंग इसका डिज़ाइन है, जो लंबा टाइप का यहाँ पे डिज़ाइन देता है रियलमी, तो वैसा डिज़ाइन देखने के लिए नहीं मिलता। इस बार थोड़ा स्क्वायरिश टाइप का लंबा सा डिज़ाइन देखने के लिए मिल जाता है। साइड में एक आप लोगों को LED फ्लैश भी देखने के लिए मिलता है और 64 मेगापिक्सल AI कैमरा भी लिखा है। जो मेन रियर लेंस है दोस्तों सोनी का सेंसर है, सोनी IMX685 वाला सेंसर देखने के लिए मिल जाता है। बहुत ही अच्छे फोटोग्राफ्स आप लोग निकाल पाओगे। इसी के साथ साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी मिलता है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी मिल जाता है दोस्तों। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों को फ्रंट के साइड में 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाता है पंचोल के अंदर, जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आप लोगों को दे देगा, आप लोग फोटोज वगैरह निकाल सकते हो। ये जो कैमरा है दोस्तों सच में बहुत ही अच्छा है। मैं यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हो इसके साथ मैंने कुछ फोटो खींचा था। तो यहाँ पे फ्रंट सेल्फी कैमरा का जो वीडियो क्वालिटी है, जो कैमरा क्वालिटी है, आप लोग गौर से चेक करो तो बहुत ही अच्छा निकलता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों, इसका कैमरा आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। कैमरा में यहाँ पे आप लोग अगर आते हो तो सेम यहाँ पे मॉड्यूल देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि हमें देखने के लिए मिलता है रियलमी के अदर स्मार्टफोन्स में। पोर्ट्रेट मोड 64 मेगापिक्सल वाला यहाँ पे आप लोगों को और एक मिलता है, इसमें प्रो और AI नाम का लिखा है। तो ये प्रो मोड है और ये AI मोड है, आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ISO वगैरह सब कुछ आप देख सकते हो प्रो मोड में ला के। देन यहाँ पे फोटो खींच सकते हो आप लोग, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो वीडियो का यहाँ पे हाई रिजोल्यूशन भी हम लोग थोड़ा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे रिजोल्यूशन आप लोग देख सकते हो 4K तक आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हो 60fps और 30fps पे, बहुत ही अच्छा चीज़ है। तो फ्रंट कैमरा के बारे में बात करें तो यहाँ पे फ्रंट कैमरा में जो रिजोल्यूशन हमें देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1080p तक आप लोग मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। और ये जो मैक्सिमम है दोस्तों 4K नहीं देता आप लोगों को, 1080p का रिजोल्यूशन ही आप लोगों को फ्रंट कैमरा में मिल जाएगा। साथ साथ दोस्तों आप लोगों को मैक्स UI स्टेबिलाइजेशन का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। इसमें अगर आप लोग क्लिक करो तो मैक्स और इसमें आप लोगों को स्टेबिलाइज जो वीडियो है देखने के लिए मिल जाएगा। अल्ट्रा स्टेडी मोड का यहाँ पे सपोर्ट आप लोगों को दिया गया है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को क्रोमा बूस्ट का भी सपोर्ट मिलता है, जो रियलमी के अदर स्मार्टफोन्स में देखने के लिए मिलते हैं। तो कलर बहुत ही अच्छा यहाँ पे उभर के आता है दोस्तों। यहाँ पे क्रोमा बूस्ट से एक फोटो आप लोगों को मैं खींच के बताता हूँ कि कैसा यहाँ पे फोटोग्राफ्स आप लोगों को मिलता है इस स्मार्टफोन के अंदर। तो कैप्चरिंग स्पीड आपने देखा दोस्तों बहुत ही फास्ट है, बहुत ही अच्छा ये काम करता है दोस्तों, बहुत ही फास्ट यहाँ पे फोटो मैंने खींच लिया। फोटो का क्वालिटी मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा देता हूँ दोस्तों, गौर से अगर आप लोग देखो तो बहुत ही क्लियर और शार्प फोटोग्राफ्स आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, आप लोग गौर से देखो इन फोटोग्राफ्स को। रियलमी ने इस बार यहाँ पे आप लोगों को कौन सा कार्ड दिया है मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। गौर से अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो एक ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने के लिए मिल जाता है इस डिवाइस के अंदर, बहुत ही अच्छा है, जो कि हम इंडियंस को पसंद है दोस्तों। दो सिम कार्ड और एक चिप कार्ड आप लोग इससे आराम से यूज़ कर सकते हो। वैसे गाइस फिंगरप्रिंट सेंसर थोड़ा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर आप लोग देख सकते हो, बस टच करने पर यहाँ पे खुल जा रहा है, बहुत ही अच्छा है फिंगरप्रिंट सेंसर।
बहुत ही फास्ट काम करता है दोस्तों। Realme 6 में भी, Realme 7 में भी आप लोगों को सेम देखने के लिए मिल जाता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, बहुत ही अच्छा काम करता है। वैसे दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को फेसियन अनलॉक का सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है, तो आप लोग फेसियन अनलॉक का सपोर्ट वगैरह चेक कर लेना, वो भी बहुत ही अच्छा काम करेगा। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को एक सिंगल स्पीकर भी मिल जाता है, तो क्वालिटी आप लोग थोड़ा चेक कर लीजिए। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, स्पीकर का क्वालिटी आप लोगों को अच्छा मिल जाता है, बेस वगैरह आप लोगों को अच्छा खासा मिलता है, स्पीकर क्वाइट लाउड में बताऊंगा, अच्छा सा स्पीकर आप लोगों को इसमें मिल जाता है देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, Realme 6 जो भी यूज़ करते हो, Realme 7 जो भी यूज़ करते हो, इन सारे स्मार्टफोन का यहाँ पे मैं अपडेट्स वगैरह डालता रहता हूँ हमारे चैनल में। अगर आप लोग वो अपडेट वगैरह पर मंथ में देखना चाहते हो दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन में ऑल ऑप्शन को ज़रूर ऑन करके रखना, ताकि जब भी हम Realme 6 और 7 सीरीज के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में वीडियो डालें और फीचर्स वगैरह डालें, आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो ज़रूर सब्सक्राइब के बाद बेल बटन में ऑल ऑप्शन को दबा के रखना दोस्तों। और हाँ गाइस, प्राइसिंग के बारे में बात करें तो ये मुझे 17,000 रुपया तक मिला दोस्तों। ऑफलाइन मार्केट से मैंने इसको ख़रीदा और इसका अनबॉक्सिंग वीडियो आप लोगों को यहाँ पे उभर कर मैंने दिया दोस्तों। आप लोगों को अनबॉक्सिंग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। अब आइए मैं आप लोगों को मेरा पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ स्मार्टफोन्स के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों, Realme 7 जो स्मार्टफोन है, एक स्पेशली अपग्रेडेड वर्जन है Realme 6 से। Realme 7 को यहाँ पे अपग्रेड किया है Realme ने, लेकिन बात होता है यहाँ पे Realme 6 ले या Realme 7 ले, आप लोगों को मैं यहाँ पे क्लियर कट बता देना चाहता हूँ दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों को Realme 7 में बहुत ही अच्छा स्पेसिफिकेशंस देखने के लिए मिल जाता है कंपेयर टू Realme 6। क्यों यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो ये जो डिस्प्ले है, आप लोगों को यहाँ पे TUVD inline सपोर्ट का डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है, जो सर्टिफाइड होता है ना TUVD inline का, जो आपके आंखों को यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है, लो ब्लू लाइट फिल्टर देता है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा डिस्प्ले इस बार आप लोगों को Realme ने दिया है 7 सीरीज के अंदर। तो TUVD inline का सपोर्ट आई थिंक Realme 6 में देखने के लिए नहीं मिलता, आप लोगों को Realme 7 में मिलता है। तो ये एक एडवांटेज पॉइंट है इस स्मार्टफोन का। इसका सबसे अच्छा और एक बड़ा पॉइंट है दोस्तों, इसका कैमरा जो सोनी के सेंसर के साथ आता है, सोनी का IMX686 वाला सेंसर, जो कि पोको X3 और X2 में भी हमें देखने के लिए मिलता था। तो बहुत ही अच्छा सेंसर इसमें आप लोगों को मिल जाता है। अगर आप लोग Realme 6 से कंपेयर करो तो उसमें आप लोगों को Samsung का सेंसर मिलता है, तो यहां पे सोनी का सेंसर Realme 7 सीरीज में Realme ने प्रोवाइड किया है कंपेयर टू Realme 6, बहुत ही आगे निकल जाता है Realme 7 सोनी के 64 मेगापिक्सल सेंसर के साथ यह स्मार्टफोन आता है। यह भी और एक हाईलाइटिंग फीचर है इस स्मार्टफोन का। इसी के साथ साथ दोस्तों, इस फोन का और एक सबसे बढ़िया फीचर है 5000mAh का बैटरी Realme 7 में आप लोगों को मिलता है, तो Realme 6 में आप लोगों को 4300mAh का बैटरी मिलता था। कंपेयर टू Realme 7, Realme 6 बहुत ही पीछे रहता है। यहाँ पे आप लोगों को 5000mAh का बहुत ही बड़ा बैटरी देखने के लिए मिलता है, 30W का डैश चार्जर मिलता है, जो कि आपके मोबाइल को बहुत ही जल्दी चार्ज कर देगा। देन यहाँ पे आप लोगों को जो प्रोसेसर मिलता है दोस्तों, मीडियाटेक का ही प्रोसेसर है, G95 वाला प्रोसेसर है। Realme 6 में आप लोगों को G90T देखने के लिए मिलता था, तो G95, G90T अगर आप लोग कंपेयर करो तो यहाँ पे थोड़ा सा माइनर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स वगैरह आप लोगों को G95 में देखने के लिए मिलता है। G90T भी बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है, मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ, गेमिंग वगैरह बहुत ही अच्छी तरीके से चलता है दोस्तों, हाई FPS पे आप लोग गेमिंग वगैरह कर सकते हो, तो कोई भी दिक्कत यहाँ पे दोनों ही फोन्स में आप लोगों को नहीं मिलने वाला। तो इस स्मार्टफोन का मुझे एक ही चीज़ अच्छा नहीं लगा, आई थिंक कि आप लोगों को ये चीज़ सच में अच्छा नहीं लगेगा, इस स्मार्टफोन में आप लोगों को TPU केस जो मिलता है दोस्तों, इस TPU केस में अगर आप लोग गौर से देखो तो यहाँ पे आप लोगों को जो यहाँ पे ढकने वाला जो चीज़ मिलता है ना, यहाँ पे चार्जर वाला, तो ये चीज़ Realme 6 में भी मिलता है, लेकिन Realme 7 में यहाँ पे और एक चीज़ दिया गया है दोस्तों, जो कि 3.5mm ऑडियो जैक को ढकने के लिए काम आता है। तो Realme 6 का जो TPU केस आता है उसके अंदर आप लोगों को ये चीज़ देखने के लिए नहीं मिलता, तो यही एक माइनर चीज़ लगा है मुझे दोस्तों। बाकी ये जो स्मार्टफोन है दोस्तों, 2020 का सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है इस प्राइस सेगमेंट के अंदर, सारा चीज़ इसमें
आप लोगों को भर भर में मिल जाएगा। परफॉर्मेंस, कैमरा और बैटरी, चार्जिंग सब कुछ में ये आगे जाता है दोस्तों, सभी स्मार्टफोन को ये पीछे छोड़ देता है। बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है दोस्तों। आई होप कि आज का ये जो अनबॉक्सिंग वाला वीडियो था आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया था दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। बहुत ही यहाँ पे टाइम लगा है मुझे वीडियो बनाने में, मेहनत लगा है, ज़रूर एक लाइक वीडियो में कर देना और आपका ओपिनियन ज़रूर शेयर करना दोस्तों वीडियो देखने के बाद। इस वीडियो में अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम लगा है, आपके मन में कोई भी सवाल हो, आप लोग नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हो। अदरवाइज दोस्तों Realme 7 और 6 जो यूज़ करते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों, नहीं तो आप लोग पछताओगे। मैं सब अपडेट्स वगैरह डालता रहता हूँ सारे स्मार्टफोन्स का, आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना।